हेलो हाय फ्रेंड नमस्ते। तो मेरा नाम गोपाल और आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा एक नया ब्लॉग में। दोस्तों मैं आया था फिशिंग और फिशिंग से थोड़ी टाइम निकल कर आ गया बाहर घूमने के लिए। और ये देखिए कुछ नज़ारे, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पीछे के कैमरा से कि कैसा कुछ इसमें मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बन रहिएगा दोस्तों। तो देखिए आप लोग, हम लोग मतलब जिस आइलैंड का साइड में रहते हैं उस आइलैंड का कुछ नज़ारा आप लोग देख लीजिए। जंगल में, और जंगल में भी जानवर भी रहते हैं। देखा आप लोग, पूरा घूम के दिखाया हमें, बहुत खूबसूरत जगह है। इधर सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है दोस्तों। और समुद्र में इतना पानी है, सब तो खारा पानी, आप लोग को पता है समुद्र में खारा पानी होता है। तो इसमें रहने के लिए मतलब सब कुछ है लेकिन जलने के लिए लकड़ी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप सभी को पानी लेकर यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहिए। अगर कोई आना चाहता है इसमें तो प्लीज़ पीने का पानी लेकर आइएगा। ये देखिए कुछ आइलैंड का ऊपर मतलब पेड़ से टूट कर आने वाले कुछ लकड़ियाँ देखिए आप लोग, बहुत सारी लकड़ी पड़ा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब लोगों को देख रहे होगा यहाँ पे एक मग पड़ा है, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या है इसमें देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, इसको फेंक दे दोस्तों। ये देखिए एक केकड़ा फंस गया हमारे जाल में, और मैं इसको मतलब यूज नहीं करता, इसको हम लोग बेचते भी नहीं है और इसको कोई खरीदता भी नहीं है। तो इसको मैं खाली पकड़ने के लिए आप सभी से दिखाने के लिए, देखिए किस तरह दिख रहे लाभ मैं पकड़ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कुछ अजीब सा जीव जिसका पैर करीब 12 पैर होगा, समुद्र में रहते हैं। ये देखिए कुछ मतलब अलग सा दिखने वाला एक है, और कुछ पीला रंग का दिख रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। वो देखिए एक बार, ये देखिए फ्रेंड्स मतलब आइलैंड में रहने वाले केकड़े इस तरह मिट्टी निकल है उसका घर से, बहुत सारी केकड़े रहते हैं इसमें। और ये इसमें जो रहते हैं केकड़े उसका कलर लाल होता है, पूरा लाल, और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो ये देखिए कुछ नज़ारे कि समुंदर का पानी कैसे हो रहा है। इसके आगे मतलब कोई किनारा नहीं है इसका, इस तरफ मतलब बंगोपसागर कहते हैं, तो इस तरफ बंगोपसागर होता है। तो हम लोग रहते हैं पूरा नदी के किनारे में। और ये कुछ साउंड आप लोग सुन लीजिए, बहुत मतलब सुनने वाला साउंड है, सुन लीजिए आप लोग एक बार। और ये देखिए कुछ पानी कैसे हो रहा है। और ये कुछ मतलब पेड़ था कुछ दिन पहले, तो ये पूरा पेड़ मतलब ये ज़्यादातर बालू आने की वजह से ये पेड़ जो है वो मर गया, और पेड़ के लिए चाहिए मिट्टी। और कुछ पेड़ होते हैं जो मतलब में बालू में रहते हैं, लेकिन ये जो पेड़ ये बालू में रहने वाला नहीं है, ये चाहिए, इसको चाहिए मिट्टी, तो इसके लिए ये सभी पेड़ मर गया। और पानी इसका मतलब इसका पास आता था इसीलिए ये सब खराब पानी की वजह से मर गया, पूरा मतलब खाली खाली सा हो गया। और उस तरफ देखिए जंगल है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसमें बहुत सारे मछलियाँ रहते हैं, और ये सब मतलब कई तरह के मछली रहते हैं, और उसका नाम क्या है, सभी मछली का नाम मतलब मुझे जितना मालूम है उतना मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि किस तरह का मछली होता है इसमें, और मछली का नाम क्या होता है, क्या ताकत है इसका, सब कुछ आप सभी को मतलब मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग हमारा जितना सारा ब्लॉग होता है सभी ब्लॉग का अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा जितना भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाएगा, तो इससे आप सभी को हमारा वीडियो को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में इतना ही, मिलते हो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए हमेशा हमेशा के लिए।